होटल स्कूल खुलने से बच्चों के चेहरे पर लौटी रौनक। होटल के स्कूलों में आज बच्चों की चहल पहल देखने को मिली। पलवल जिले में आज हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूल खुले गए। स्कूल खुलने के बाद बहुत खुश नजर आए बच्चे। स्कूलों में बच्चों को पहुंचने से पहले तापमान मापा गया और बच्चों के हाथ को सैनिटाइज कराया गया। स्कूल को पहले दिन सैनिटाइज कराया गया। कक्षाओं में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बिठाया गया। स्कूल में 9वीं से 12वीं की कक्षा तक के छात्राएं बुलाए गए। कोरोना महामारी की वजह से पलवल जिले में स्कूल सुनसान पड़े हुए थे, लेकिन आज स्कूलों में बच्चों की चहल पहल देखने को मिली। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को पिछले साल से लेकर इस सेशन तक स्कूल बंद रहे। प्रदेश की सरकार बच्चों की परीक्षा भी नहीं ले पाई। इस कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए कई चैनलों से संपर्क किया गया था, लेकिन गांवों में नेटवर्क नहीं आ पाने की वजह से बच्चे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। किसी के पास स्मार्टफोन भी नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में गरीब लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार के आदेश पर आज प्रदेश के स्कूल खोले गए। जैसे ही बच्चों को स्कूल खुलने की सूचना प्राप्त हुई और वह बड़ी खुशी के साथ स्कूल पहुंचे। पलवल जिले के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले गए। जब स्कूलों में पहुंचे बच्चे से बात की गई तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह आज बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत से दिनों के बाद उन्हें स्कूल आने को मिला और वह स्कूल में पहुंचे हैं। बच्चों ने कहा कि सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी, लेकिन वह ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गांव में नेटवर्क की भारी दिक्कत है और किसी के पास स्मार्टफोन भी नहीं थे, जिसकी वजह से वह ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे। बच्चों ने कहा कि आज वह बहुत खुश थे कि अब स्कूलों में वह पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकेंगे। जब इस बारे में स्कूल के अध्यापक अरविंद गौतम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खोले गए हैं और जो उनके पास सरकार के आदेश आए हैं उसका पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे तो सबसे पहले बच्चों का तापमान नापा गया और उसके बाद बच्चों के हाथ को सैनिटाइज कराया गया और जिन बच्चों के पास मास्क नहीं थे स्कूल की तरफ से उनको मास्क भी दिए गए। कक्षा में बैठने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बच्चों को ऑड इवन के हिसाब से बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह पलवल जिले का सबसे बड़ा गर्ल्स स्कूल है, जिसमें लगभग 1800 छात्राएँ पढ़ती हैं। आज 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं की कक्षा तक के बच्चे बुलाए गए हैं। खुले हैं, हमको बहुत खुशी है। घर पे बैठे तो ऑनलाइन किसी पे भी पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पूछ भी लेते हैं टीचर से, ऑनलाइन पे पूछते हैं तो कुछ भी समझ नहीं आता वैसे भी, तो इसलिए स्कूल खुले हैं, अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। तो बेटा बहुत ज़्यादा परेशानी रही थी, क्योंकि ऑनलाइन पर तो किसी पे भी नहीं पढ़ा जाता। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ हैं जिन पर नहीं पढ़ा जाता, इसलिए स्कूल खोलने जरूरी है। तो अब कितनी खुशी है बेटा, जैसे काफ़ी दिनों बाद हमको बहुत खुशी है स्कूल खुले हैं। नाम अरविंद कुमार है, फिजिक्स लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल से। और संख्या के लिहाज से ये पलवल जिले का सबसे बड़ा स्कूल है। 6वीं से 12वीं तक लगभग 1250 छात्राएँ हैं और 9वीं से 12वीं की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 690 के आसपास अभी छात्राएँ हैं। और आज पहला दिन बहुत अच्छा रहा, लगभग 80% बच्चे अपने घर से ही मास्क लेके आए थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो किसी कारणवश मास्क नहीं ले पाए, तो उनको विद्यालय प्रबंधन की तरफ से सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय की तरफ से मास्क दिया गया। सभी बच्चों का टेम्परेचर नापा गया है और सभी कक्षा अध्यापक सभी बच्चों की अटेंडेंस और उनका तापमान अवसर ऐप पर भी दर्ज करा रहे हैं। इसके साथ ही हमने पूरी कोशिश की है कि कोरोना की गाइडलाइंस का, सरकार की SOPs का पूरी तरह से पालन किया जाए। जैसे एक बेंच छोड़ के एक बेंच पे बच्चे को बिठाया गया है और एक बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठेगा और ये व्यवस्था अल्टरनेट रहेगी। विद्यार्थियों के लिए रोस्टर लागू किया गया है, जो जिन क्लासों में स्ट्रेंथ ज़्यादा है उनके लिए ओड इवन का सिस्टम बनाया गया है। ओड रोल नंबर वाले बच्चे एक दिन आएंगे, इवन रोल नंबर वाले बच्चे एक दिन आएंगे। सभी स्टाफ को, क्लास इंचार्जेस को इस बारे में 2 दिन पहले ही अवगत करा दिया गया था और मीटिंग लेके उन्होंने ऑनलाइन बच्चों के पास सभी के पास मैसेज भेज दिए थे। इन 3 महीनों में जो पढ़ाई का नुकसान हुआ उसका कारण कुछ ये भी रहा कि टीचर्स ने अपना प्रयास किया ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, अपने वीडियोज भी भेजे, लिंक शेयर किए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फ़ोन की उपलब्धता नहीं होती, तो उनके लिए लाइव क्लासेज ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो
अभी कल भी प्रिंसिपल सर ने सारे स्टाफ की मीटिंग लेके कहा है कि ये जो पढ़ाई का बच्चों का नुकसान हुआ है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश की जाए, एक एक बच्चे से और उसके माता पिता से संपर्क करके उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस महामारी के टाइम पे उससे लड़ते हुए उससे बचते हुए हम बेहतर से बेहतर कर पाएं। तो सर स्कूलों को सैनिटाइज कराया गया है? जी स्कूल को कल शाम को भी सैनिटाइज कराया गया था और आज जैसे ही कक्षाएं समाप्त हो जाएंगी स्कूल ओवर हो जाएगा उसके तुरंत बाद सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके लिए विद्यालय में सैनिटाइजर की मशीन भी खरीदी गई है और एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई है कि वो रोजाना इस पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करेगा। तो जिस तरह से जब विद्यालय में बच्चे आ रहे थे तो उनके चेहरे पर खुशी थी, रौनक थी, इतने दिन बाद एक तरह से घरवासी उनकी हुई है, विद्यालय भी उनका अपना परिवार और घर ही है और इसके साथ साथ ज़्यादातर बच्चे सिविलाइज थे, यूनिफॉर्म में थे और साथ ही मास्क लेके आए थे। तो मुझे लगता है कि बच्चों में उत्साह है और वो जो दो तीन महीने का उनका नुकसान हुआ है उसको आगामी एक दो महीने में उसको पूरा कर लेंगे। हाँ संख्या के लिहाज से आज थोड़ा संख्या कम रही, लगभग 172 छात्राएं आज हमारे पास उपस्थित हुई हैं। उसका कुछ कारण ये भी है कि कितनों में से 690 में से 172 आए हैं। उसका कारण ये है कि सरकार के द्वारा भी ये एडवाइजरी है कि किसी बच्चे को स्कूल आने के लिए फोर्स ना किया जाए। तो अभी धीरे धीरे हम बच्चों से भी कहेंगे, टीचर्स संपर्क बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बच्चों की विद्यालय में उपस्थित हो।